हेलो एवरीवन, आज के करंट अफेयर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस। अब नारियल के उत्पादन में टॉप है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स ने किया है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च, और ये अर्जेंटीना का सेटेलाइट है जिसे स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो राजनाथ सिंह जी रूस की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्मा शहर नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ओडिशा ने लॉन्च किया है अम्मा शहर नामक मोबाइल ऐप। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। अब उड़ीसा में स्वच्छ शहर उड़ीसा ऐप लॉन्च हुई थी। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक, ये सभी उड़ीसा में हैं। सबूज उड़ीसा पहल जो वृक्षारोपण के लिए है वो उड़ीसा की है। नुआखाई उत्सव जो है वो उड़ीसा का है। मधुबाबू पेंशन योजना उड़ीसा में शुरू हुई थी, और चैत्र जात्रा महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो डॉक्टर एस पद्मावती कार्डियोलॉजिस्ट थी। डॉक्टर एस पद्मावती भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। 103 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है, और इन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो हेमंत खत्री बने हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD। अब हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 22 जून 1941 को, और इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है ये निर्णय। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की थी, और वर्चुअल अदालत योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी। प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है वो उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई थी। आयुष कवच ऐप भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई थी। जियो टैग कम्युनिटी किचन उत्तर प्रदेश के हैं। हर्बल रोड प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक मंडुआडी रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। और नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश की है। मनरेगा के तहत रोजगार देने में टॉप है उत्तर प्रदेश। गौ हत्या अधिनियम में संशोधन किया है उत्तर प्रदेश ने, और उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ किस देश पर होगा? तो 2021 तक कर्ज का बोझ सबसे अधिक होगा अपने देश भारत पे। ये रिपोर्ट जो है वो मूडीज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने होम उत्सव शुरू किया है? तो ICICI बैंक ने किया है होम उत्सव शुरू। अब ICICI बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। CEO है इसके संदीप बख्शी, और चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल में फिर से किसे शामिल किया है? तो मालदीव को राष्ट्रमंडल खेलों में फिर से शामिल किया गया है। 2018 में इन्हें हटा दिया था, अब वापस शामिल कर लिया गया है मालदीव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिग थॉट ऑफ लाइफ लूव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फिल्म निर्माता करण जौहर ने लिखी है ये बुक, और करण जौहर ने अपनी आत्मकथा एन अनसुटेबल बॉय भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो चीन में किया जाएगा इनकी प्रतिमा का अनावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अविक सरकार बने हैं PTI के नए अध्यक्ष, और अभी तक विजय कुमार चोपड़ा थे इनके अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो कर्नाटक से जोड़ा गया है
उत्तराखंड को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत। अब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, यहाँ के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है वो है उत्तराखंड में, और बेस्ट टू एनर्जी पहल उत्तराखंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने माह के लिए बढ़ाया गया है? तो 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। अब सीबीडीटी, तो सीबीडीटी की स्थापना हुई थी 1924 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और प्रमोद चंद्र मोदी हैं इसके अध्यक्ष। तो ये था आज के करंट अफेयर का वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।